2 करोड़ नौकरी की पूछोगे ना, 2 करोड़ राम मंदिर, 100 स्मार्ट सिटी बन गई राम मंदिर, है ना, देश का वो क्या क्या बोला था, और यार ये हो गया 3 तलाक, पाकिस्तान ये, पाकिस्तान भूखा मर रहा है, ये गिना देते जो देश में हुआ उसकी गिनाओ ना, ये नहीं गिनाएंगे, हिंदू खतरे में आ जाएंगे। अब चलो हिंदू खतरे में, हिंदू राष्ट्र बन भी जाएगा तो फिर जात खतरे में आ जाएगी, जात तो इतनी सारी है पर इनको कहाँ कहाँ बांटोगे, अभी तो तुमने देश को 2 भागों में बांट दिया, फिर जातों को कहाँ कहाँ बांटोगे। देश हमारा कहाँ जा रहा है सब, अब क्या बोल लिया जाए, कहाँ जा रहा है, नरक में जा रहा है एक तरीके से ये कह लो। मोदी जी आ रहे हैं या जा रहे हैं? जा रहे हैं, कितना इतनी लंबी भाषण बोलती तब भी तुम्हारे यार समझ में नहीं आ रहा, कैसी मीडिया हो तुम, तो थोड़ा समझा करो यार इस चीज को। तो ठीक है सुनिए, कॉमन सेंस लाइए, आप तो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले हैं, आप तो समझदार हैं, हमसे ज्यादा नॉलेज रखते हैं। चाचा क्या नाम है आपका? वही जिसको गोलियों से भूना था, वही नाम है जिसको गोलियों से भूना था, मतलब भूना नहीं था वो, आप पुलिस के घेरे में। अरे चाचा क्या बोल रहे हैं आप? अरे पुलिस की निगरानी में घेरा नहीं था, गोलियों से नहीं भूना दोनों भाइयों को। अतीक नाम है आपका? हाँ। अच्छा हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली का। दिल्ली का? हाँ। ये बताइए मोदी जी 24 में आ रहे हैं? आ रहे हैं, दो साल के लिए आएंगे, जितना जुल्म करना करेंगे। 2 साल के लिए क्यों? उसके बाद 27 नहीं है दुनिया में, 2027 नहीं है, 26 तक की दुनिया है। 26 के बाद दुनिया कहाँ जाएगी? वो जहाँ भी जाएगी, फिलहाल दुनिया नहीं है, सब मुर्दा हो जाएंगे। देखिए मोदी जी आ रहे हैं 24 में। इंडिया गठबंधन क्यों? देश का क्या हाल करके रख दिया आपको नहीं मालूम? क्यों? किसने हाल क्या कर दिया? मौजूदा सरकार ने क्या कर दिया आप देख लो सब। अरे देश सुरक्षित हाथों में है मोदी जी। हाँ, पार्लियामेंट सुरक्षित, अपनी देश की कितनी सुरक्षित है ना, देख लो आप क्या हो गया, उसके ऊपर नहीं बोला जा रहा है। मोदी जी की वजह से कह रहे हो सब कुशल मंगल चल रहा है देश में। अब क्या चल रहा है ये मालूम ही नहीं, तो चल रहा क्या चल रहा है? सारे विपक्ष के सांसद बाहर करके तुमने बिल पास करवा लिया। बिल क्या है पता भी है क्या? बस यही है कि किसी के बारे में कुछ आप कह नहीं सकते, ये तो बिल पास करा लिया, विपक्ष की तो सुन लेते एक बार। हाँ। ये चल रहा है देश में। लेकिन कह रहे हैं फिर इस बार जो है मोदी जी 400 पार हो जाएंगे। 200 भी नहीं आ रही, 200 भी नहीं आ रही इस बार, तो सीट आप लिख के ले लो, आज लिख दूं 200, किस पे लिख लूं, लो लिख देता हूँ, बोल दिया रिकॉर्ड हो गया, तो बस 200 पार नहीं आ रही। अब तुम अगले चुनाव जब खुले, अरे एक अकेला शेर सब पे भारी है, शेर की अब क्या बोला जाए कि शेर के सब वो खुले बड़े हैं, शेर कहाँ कहाँ देखे, शेर किधर बने पड़े हैं, शेर कहाँ कहाँ देखे कि राहुल गांधी की टक्कर ले नहीं पा रहे, जो मीडिया से जो सवाल करो वो तो कर नहीं रही है। मीडिया कहाँ ले आती है, धनखड़ जी की ये कर दी, धनखड़ जी की वो कर दी, धनखड़ ये उसने क्या कह दिया भैया, पार्लियामेंट से बाहर खड़े हुए थे, पार्लियामेंट जैसा वो कर रहे थे, चलो अंदर नहीं है तो बाहर से ही ये कर रहे थे, इस इतने में तो कर फेंक दिया इन्होंने, अब क्या कहें इस पर। लेकिन कह रहे मंदिर बन रहा है, तुम सब जगह बना दो मंदिर ही बना दो जो रोजगार देगा, 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, मंदिर बना दो क्या दिक्कत है, फिर सब जगह मंदिर ही खोल के फेंक दो। ठीक है बात, कटोरे लेके थोड़ी बैठेंगे। राम मंदिर से खुश नहीं आप? नहीं बिल्कुल राम मंदिर से खुश हैं, पर ये क्या मंदिर को ही लेके वोट दें क्या, मंदिर को लेके थोड़ू ना वोट देंगे। हाईवे बने, नितिन गडकरी जी का सम्मान करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ एक ही आदमी है नितिन गडकरी जी। देश हमारा कहाँ जा रहा है सब, अब क्या बोल लिया जाए, कहाँ जा रहा है, नरक में जा रहा है एक तरीके से ये कह लो। नरक में जा रहा है मोदी जी के रहते हुए? मोदी जी के रहते हुए तो जा रहा है, पिछले जो काम पिछले 60-62 साल में कभी नहीं हुए, जो पिछले 9 साल में हो गए, कर्जा अपने देश का कहाँ पे था, 47-47 लाख करोड़ का कर्जा था, आज वो कर्जा कितना है, 152 लाख करोड़ में तब्दील हो गया। 200-205 वो उसमें चल रही थी ना, हाँ मैंने देख नहीं पाया था, है ना, IMF क्या कहते हैं उसकी, है ना उसकी, अब भुखमरी कितने नंबर पे थी, 47वें इतने, आज 112 नंबर पे हम भुखमरी में, आपको पता होना चाहिए जी, तो आप तो क्रोम प्रिंस वाले हो। नाम क्या है आपका? मेरा नाम आदित्य शर्मा है। आदित्य शर्मा जी है, पंडित जी हैं आप जी? कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तर प्रदेश आगरा। अरे बाबा से तो खुश होंगे? बाबा से इतना बुल्डोजर बाबा से? हाँ बुल्डोजर बाबा से इतना खुश है, अखिलेश की सरकार थी, जब अखिलेश की सरकार थी तब उससे क्या कहते हैं, रोजगार था, आदमी कमा रहा खा रहा था, तब थोड़ी सुरक्षा में वो थी, दंगे वगैरह होते थे मानते हैं, आज ये दंगे बंद है, आदमी घर बैठा, कोई रोजगार नहीं है, कोई नहीं है, इतना खुश है। तो भर्ती तो निकली है यूपी पुलिस में? अब वो कब से निकली आपको पता है? कब की भर्ती है वो? 19 की भर्ती अब निकली, अभी भी उसके फॉर्म नहीं वो स्टार्ट हुए, अभी नोटिफिकेशन आया, पेपर कराया जाएगा, आपको पता होना चाहिए ये चीज़।
ठीक है, हम सबसे जुड़े हुए हैं तो हमको सब मालूम है। तो देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा फिर? अभी जो इंडिया गठबंधन की बैठक चल रही थी उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जी का उनका नाम और बिहार के जो वो है मुख्यमंत्री उनका नाम बोर्ड रखा गया था। हाँ। तो उन दोनों की वो तो आपसी वो है, पर जीतेगा इंडिया गठबंधन ही। जीतेगा इंडिया गठबंधन? हाँ, इंडिया गठबंधन। एक अकेला मोदी कह रहा सब पे भारी है। अरे कहाँ, तब भारी है तो इनको अंदर बुला लो, तब बिल पास करवाओ। अंदर बाहर भगा के फेंक दिए तुमने, तब अपने अकेले अकेले कर रहे हो। मोदी जी की गारंटी नहीं देखी क्या आपने? काय गारंटी है, 400 का सिलेंडर गारंटी तो दे दो, कर क्यों नहीं देते भैया? तो माँ चुनाव हो गया, मंत्री बन गया, सब काम हो गए, कर दो माँ, क्या दिक्कत है? वो कर नहीं पाएंगे 400 रुपए का सिलेंडर पर? भारतीय जुमला पार्टी, हिंदू खतरे में आ जाएंगे, मोदी जी नहीं रहेंगे तो हिंदू खतरे में आ जाएंगे। अब चलो हिंदू खतरे में, हिंदू राष्ट्र बन भी जाएगा तो फिर जात खतरे में आ जाएगी। जात तो इतनी सारी है, पर इनको कहाँ बांटोगे? अभी तो तुमने देश को दो भागों में बांट दिया, फिर जातों को कहाँ बांटोगे? ठीक है सुनिए, कॉमन सेंस लगाइए। आप तो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले हैं, आप तो समझदार हैं, हमसे ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, तो इनसे क्यों नहीं सवाल करते? 2 करोड़ रोजगार की बोला था, किसानों की आय दुगनी करने के लिए बोला था, 2 करोड़ नौकरी की पूछोगे ना? 2 करोड़ राम मंदिर, 100 स्मार्ट सिटी बन गई, राम मंदिर है ना देश का, वो क्या क्या बोला था, और यानी ये हो गया 3 तलाक, पाकिस्तान ये, पाकिस्तान भूखा मर रहा, ये गिना देते जो देश में हुआ उसकी गिनाओ ना, ये नहीं गिनाएंगे कभी। तो क्या है, तो देश में जो 80 करोड़ लोगों को जो है राशन मिल रहा है। हाँ तो जी 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, गर्व की बात है। 80 करोड़ लोगों को रोजगार ही दे दो। विपक्ष ने अभी तक कोई वादा नहीं किया कि हम ये करेंगे वो करेंगे, जो उनको सही लगेगा वो करेंगे, और वो हमेशा सही करते हुए आए हैं। तुम देख लो पिछला रिकॉर्ड उठा लो, जितना तब नहीं हुआ इतना इस सरकार में दंगे हो गए, आपको पता होना चाहिए। 3,000 कुछ दंगे पिछली सरकार में हुए थे, वो भी 62 साल में। पिछले 9 साल का रिकॉर्ड उठा लो आप, कितने दंगे हो गए, 3,000 से भी ज़्यादा दंगे हो गए। अब कहने का मतलब मोदी जी आ रहे हैं या जा रहे हैं? जा रहे हैं, कितना इतनी लंबी भाषण बोलती तब भी तुम्हारे यार समझ में नहीं आ रहा, कैसी मीडिया हो तुम, तो थोड़ा समझा करो यार इस चीज़ को। तो कहते मोदी जी को कोई हरा ही नहीं पाएगा, तभी तुम बार बार पूछ रहे हैं। तो अब तुम 24 में देख लेना, कोई ज़्यादा वक्त तो रह नहीं गया। अब मीडिया की वो छाती फटी जा रही, हाय 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 हाय, तो अब सबर भी कर लो, इतने 5 सालों से सबर कर लिया, तब पुलवामा हमला होने के बाद ये जीत गए, ठीक है, अब खुद देख लेना क्या होगा। 10 में से कितना नंबर मोदी जी को? 0 से और कम भी होता, वैसे होता नहीं, पर वो वोट देंगे उन्हें तो। इतना नाराज कहाँ है? नाराज तो कुछ नहीं, देश में देखिए कुछ नहीं है, लोकतंत्र बिल्कुल खतरे में जा चुका है। ये तानाशाही शासन आ रहा है, तानाशाही जैसा शासन आ गया है। कह रहे मोदी जी जैसा देश चला रहे वैसा कोई नहीं चला पाया, आज तक नहीं चला पाएंगे। छोटे व्यापारी हो चाहे कोई हो, सब मोदी जी ने अपना नाम बनाने, हकीकत बताऊं अपना नाम बनाने के चक्कर में पूरे देश की जनता को रोड पे लाके खड़ा कर दिया। अच्छा सूट पहनेंगे, अच्छा वो करेंगे, विदेश में तुम रोज पहुंच जाओगे किसी के यहाँ पर बिन बुलाए, तो वो क्या तुम्हें भगा थोड़ू ना देगा, इज्जत ही करेगा तुम्हारी। अब वो इज्जत को तुम यहाँ दिखा रहे हो, हाय मोदी जी हाय मोदी, विदेश में डंका बज रहा है, क्या डंका? 80 करोड़ लोगों को तुमने भिखारी बना के रख दिया, 20 करोड़ लोगों को गुरुद्वारा रोटी खिला रहा है, बचे कितने 40 करोड़, इसमें कुछ बिजनेसमैन भी है ये भी है, वो क्या सब भूखे नंगे कंगले ही है क्या? तो खुद सोचो, इनके आंकड़े भी तो सही नहीं है। तो देश कौन चलाएगा मोदी ने तो? अब तुम आंकड़े देख लो, ये कह देश कौन चलाएगा भाई साहब, उनसे पूछिए। अरे ये भी हमारे छोटे भाई बता रहे हैं, ये बता रहे बेफिक्र है। देश कौन चलाएगा? मोदी जी चलाएंगे, मोदी जी चलाएंगे। कह रहे मोदी जा रहे हैं हमेशा मोदी ही रहेगा। क्या बोला रे, मोदी जी कहाँ जा रहे हैं? वो 24 के बाद देखना क्या होता है। अरे नहीं, वो तो देखो जनता दिखाएगी। इस पे ना हम अभी से फैसला नहीं ले सकते कि कांग्रेस आएगी या बीजेपी आएगी, इस पे जनता ही, जनता के हाथ में ये चीज, और जनता इसको दिखाएगी। अगर उनका ने कह दिया कि मोदी जी जा रहे हैं, नहीं तो एक जनता थोड़ी 140 करोड़ आबादी भारत की, और एक के कहने से थोड़ी हो जाएगा। ऐसे कोई बोल रहा आएगा, कोई बोल रहा नहीं आएगा। अब आपको मोदी जी बढ़िया लगे? हाँ हमारे लिए तो सभी बढ़िया है। अरे मोदी जी का काम बढ़िया लगा? काम सभी का अच्छा, बुरा किसका होता है? आपको लगा मोदी जी का काम अच्छा है? भैया मैं तो रोड पे आ गया है? रोड पे आ गया मैं तो। मैं कहाँ जा रहा है? गारमेंट्स कटिंग करता था गांधीनगर में, काम नहीं है, इस टाइम मैं जुराबे बेच रहा हूँ भैया, 100-200 कमाता हूँ। देश कहाँ जा रहा है हमारा? देश तो जाना चला जाएगा। शुक्र मनाओ भैया, भैया आज रोड पे चल रहे, वरना पहले हवा में उड़ा करते थे। यहाँ से कहीं जाना होता था ना भैया, अपने घर से चांदनी चौक आना होता था, उड़ के आते थे 14 से पहले, भैया पहले उड़ के आते थे, अब रोड पे आ गए हैं। हाँ पियोन बन गए, पियोन बन गए हैं भाई। हाँ पूछे फिर आ रहे हैं मोदी जी। हाँ फिर से आ रहे हैं मोदी। क्या मैंने बोला था जनता के हाथ में बार बार। चाचा क्या नाम है आपका? वही जिसको गोलियों से भूना था, वही नाम है
जिसको जिसको गोलियों से भुना था, मतलब भुना नहीं था वो पुलिस के घेरे में। अरे अच्छा था, क्या बोल रहे हैं आप? अरे पुलिस की निगरानी में घेरा नहीं था, गोलियों से नहीं भुना दोनों भाइयों को। अतीक नाम है आपका? हाँ। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? दिल्ली का। दिल्ली का? हाँ। ये बताइए, मोदी जी 24 में आ रहे हैं? आ रहे हैं, दो साल के लिए आएंगे, जितना जुल्म करना करेंगे। दो साल के लिए क्यों? उसके बाद 27 नहीं है, 27 नहीं है दुनिया में, 2027 नहीं है, 26 तक की दुनिया है। 26 के बाद दुनिया कहाँ जाएगी? वो जहाँ भी जाएगी, फिलहाल दुनिया नहीं है, सब मुर्दा हो जाएंगे। सब मुर्दा हो जाएंगे? क्यों? 95% अल्लाह उसका हुक्म है, मैं मुर्दा करूँगा तो करेगा, जिसको हाँ जिसको रोकना है रोक लो। अल्लाह क्यों मुर्दा करेगा 26वीं दुनिया को? उसका हुक्म है, उसने जब दुनिया बनाई हजारों लाखों साल पहले जब लिख दिया था इतना वक्त हो जाएगा तो मैं दुनिया खत्म करूंगा, करेगा। तो मोदी जी नहीं आएंगे? मोदी जी आएगा दो साल के लिए, गिराने को गिराएगा। गिरा दे। अच्छा था, क्या बोल रहे हैं भाई? गिराने का काम है उसका। मोदी जी आ रहे हैं में, वो तो आएगा। मोदी जी हिंदू लोग को वोट बैंक बना रहा है, बोल रहा कि 15 लाख आएगा, अभी बोल रहा कि हिंदू राज बना देगा, उसका बाप का राज हिंदू राज बनाएगा, बताओ है? ये लोकतंत्र देश है, लोकतंत्र रहेगा जिंदगी भर। यहाँ सरकार पे 15 लाख मेरा उधार है। 15 लाख बोला था देंगे, रखने दिए क्या? हाँ भाई, बोला तो था, वादा तो करा था सरकार ने। कब बोला था भाई? 2014 में बोला था 15 लाख रुपए देंगे, सब गरीब को देंगे। अभी तक कहाँ कहाँ है? कहाँ है? वीडियो दिखाओ तो, कहाँ बोला मोदी जी? लाइव टेलीकास्ट यूट्यूब पे चेक करो, हमको तो नहीं मिला। आप चेक करो ना यूट्यूब पे, यूट्यूब पे चेक करो। बोले 15 लाख रुपए देंगे? अरे मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता है वो मुकदमे कर रहा है। कौन? मोदी। क्या बोल रहे हैं आप? मथुरा पे नहीं कर रहा, वहाँ नहीं कर रही हो? हम आपका इंटरव्यू नहीं करेंगे। वो नहीं कर रहा हो? हम आपका इंटरव्यू नहीं करेंगे। 24 मार है मोदी जी, 24 मार है मोदी जी। नहीं आ रहा मोदी, नहीं आ रहा सर, 24 में मोदी जी आ रहे हैं, नहीं आएगा।